Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 5. In our previous lecture, we learned about home tab and file menu. Today lecture is lecture number 5. In this lecture, we will learn about insert tab. And today lecture is about cover page, blank page, page break, and how to insert table and how to edit a table. Let's start. Microsoft Word के अंदर ये तीन टैब बड़े important है, home tab, इसके बाद insert tab और page layout tab. अगर आप ये तीन टैब अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना बड़ा आसान हो जाएगा. तो होम टैब, इंसर्ट टैब और उसके बाद आपके पास पेज लेआउट, तीनों के अंदर तकरीबन जितनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग होती है वो हम इन तीन टैब्स के अंदर करते हैं. कि जितनी भी आपने एडिटिंग करनी है, पेज की सेटिंग करनी है या किसी ऑब्जेक्ट को जो है इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो इंसर्ट टैब जो है वो नॉर्मली जो है मुख्तलिफ चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पेज कवर. पेज कवर हमेशा पेज के फर्स्ट पेज पे होता है. तो फर्स्ट पेज यहाँ से लाने के लिए, उसको खाली करने के लिए मैं यहाँ से एंटर करके नीचे जा सकता हूँ. लेकिन आसान तरीका यह है कि आप यहाँ से पेज ब्रेक कर रहे हैं. जब आप पेज ब्रेक करेंगे तो वो उसको वहाँ से नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और आपका ये फर्स्ट पेज जो है ये ब्लैंक पेज यहाँ पे आ गया. तो आप यहाँ इस पेज के ऊपर आप जो है पेज कवर लगा सकते हैं. तो यहाँ से आए पेज कवर. पेज कवर जो आपका फर्स्ट पेज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो पड़ी हैं. इनमें से आप कोई भी जो है सिलेक्ट कर लें या आप यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वेबसाइट पर जाके वहां से भी मज़ीद जो है डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें से मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूं. ये आपका फर्स्ट पेज जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा. अगर मैं इसका व्यू चेंज करूं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा. फर्स्ट पेज हमने पेज वन पेज सेलेक्ट कर लिया व्यू में से, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया. अब इसको मैं यहाँ से पेज विड्थ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ. अब आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं. मसलन यहाँ ईयर लिखा है तो 2020 आप लिखते हैं. इसी तरह से डॉक्यूमेंट टाइटल अबाउट इंसर्ट टैब ये आपने लिख लिया. सबटाइटल अगर यहाँ आपने कुछ देना है यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं. कंपनी नेम इस तरह से आप जो पेज कवर है उसको अपनी मर्जी से जो है उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. सिंपली यहाँ से इंसर्ट पेज में आए और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद उसको अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज कर लें. सिलेक्ट ऑल करके मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ. हमारे पास खाली पेज ही आ गया. तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक पेज. ब्लैंक पेज मीन्स कि आप खाली पेज अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं. अब अगर आप देखें तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही पेज है, तो आप चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद और पेज आप डालना चाहें तो यहाँ से ब्लैंक पेज जो है उसको सेलेक्ट कर लें.
ब्लैंक पेज क्या करेगा, एक खाली पेज आपके डॉक्यूमेंट में डाल देगा। तो अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दो पेज बन गए हैं, ये फर्स्ट पेज, और नीचे अगर आप देखें ये, तो ये हमारे पास सेकंड पेज है। तो सिलेक्ट ऑल करें, डिलीट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल इंसर्ट करना। टेबल के अंदर है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि नंबर ऑफ़ रोज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए। तो जितने भी आप नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ आप देखें कि नीचे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम वो वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो ऊपर 5x4 टेबल वो आपको सेलेक्ट करके बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यही टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से ये टेबल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी अपना लिखना है उसको टाइप कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर। अब नेक्स्ट टैब में जाने के लिए, नेक्स्ट इस सेल के अंदर जाने के लिए मैंने टैब के की को प्रेस किया और यहाँ पहुँच गया। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए दोबारा टैब की में प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट में आ जाता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट में जाने के लिए तो इस तरह से, अब यहाँ से नेक्स्ट जाने के लिए टैब प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मुझे ले आ जाता है। और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एरो डाउन मैंने की को प्रेस किया, तो यहाँ जो भी मुझे टाइप करना है और सिंपली मैं टाइप कर लूँगा। अब अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, और ये जो डिज़ाइन आपके पास आ रहा है टेबल का डिज़ाइन टैब, ये उस वक्त होगा जब आप टेबल के अंदर होंगे। अगर आप टेबल के बाहर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये ऊपर से हमारे पास डिज़ाइन टाइप जो है वो गायब हो गया। इसको दोबारा लाने के लिए आप इसके अंदर क्लिक करें, डबल क्लिक यहाँ करें, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें, उस पर क्लिक कर दें, तो आपका टेबल उसी तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो बटन हैं ये क्या काम करते हैं। हेडर रो, इसको आप क्लिक करते हैं तो हेडर रो जो, यानी जो आपके पास ये फर्स्ट रो है उसका फॉर्मेट चेंज होगा। यहाँ आप क्लिक करें तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है टोटल रो, टोटल रो यानी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो लास्ट रो होती है, तो उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ से आप उसको चेंज कर रहे हैं। बैंडेड रो, ये इस तरह से थोड़ा सा चेंज होगा। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को अगर आप हाईलाइट करना चाहें। लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम के अंदर जो आपके पास है उसको आप हाईलाइट करते हैं या ख़त्म करते हैं। इसी तरह से ये कॉलम्स के लिए जो उनके दरमियान में जो लाइंस हैं वो आपको नज़र आएँ या ना नज़र आएँ, तो इस तरह से आप चेंज करते हैं। फर्दर हमने ये देखा कि ये डिज़ाइन है आपके पास, कलर्स हैं, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शेडिंग का जो है वो बटन है, तो आप जिस भी सेल की जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मसलन ये तीन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से उनका बैकग्राउंड शेड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ से पसंद हो उस पर आप ले जाएँ और उसके ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप इनका चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं।
मोर कलर के अंदर आपके पास मज़ीद कलर हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, या ये स्टैंडर्ड कलर इनमें से जो भी आप चाहें, या फिर आप यहाँ पे कलर कोड है इसको आप चेंज करके कोई भी कलर जो है वो बना सकते हैं। ओके कर दें। ये जो आपके पास सेल सेलेक्ट है उनका यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डर स्टाइल, इसको हम नॉर्मल में ले आते हैं ताकि सारे को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। ये स्टाइल क्या आपके पास जो लाइनें हैं वो लाइनें के स्टाइल के अंदर उनका कलर क्या हो तो सिलेक्ट कर लें। अब आपके पास ये पेन सा बन जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करते जाएं तो उस लाइन का स्टाइल इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर आप ये सारे पे यही बॉर्डर जो है लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर, इसके अंदर ये ऑल बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो ये सारे टेबल के अंदर उसी फॉर्मेट के अंदर आपके जो है टेबल के लाइन जो है उनका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से उसका लाइन की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें और जहाँ आप क्लिक करेंगे वो लाइन जो है उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। और अगर आप इस सारे पे चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ फर्स्ट रो को, तो ये सेलेक्ट करके इसको आप सिंपली यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो वो आपके पास इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट ईयर जो बटन है बॉर्डर पेंटर, इसको आप सेलेक्ट कर लें और फिर आपके पास ये पेन है इसका कलर जो भी करना है वो कर लें और जिस भी लाइन पर आप क्लिक करते जाएंगे वो उसी पैटर्न में चेंज होती जाएगी। टेबल को क्रिएट करने का सेकंड मेथड, तो कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इंसर्ट टैब में आ रहा हूँ और टेबल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट टेबल इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम मुझे कितने चाहिए, तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए फिर जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको ओके कर लें तो ये आपके पास उसी तरह से टेबल बन जाएगा। टेबल को बनाने का तीसरा तरीका, सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, टेबल के अंदर आता हूँ, टेबल के अंदर ड्रा टेबल यहाँ पे क्लिक करें और फिर इसके सबसे पहले आउटलाइन उसको ड्रा कर लें। उसके बाद फिर जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए वो ड्रा कर लें और जितनी आपको रोज चाहिए वो ड्रा कर लें। तो ये आपके पास तीसरा थर्ड मेथड है टेबल को ड्रा करने का। अब अगर आप देखें अगर तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन से ये लेआउट टैब ये चेंज हो गया। अगर आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये लेआउट टाइप जो है ये गैप हो जाएगा और जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये लेआउट टैब आ जाएगा। अब इसके मुख्तलिफ़ ये जो बटन हैं इनको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट सेल, आप जहाँ पर आपका कर्सर था वो आपके पास सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट कॉलम, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा कॉलम आपके पास। इसी तरह से यहाँ मैं अगर क्लिक करके सेलेक्ट रो तो ये आपके पास रो सेलेक्ट हो जाएगी और इसी तरह से मुझे अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट टेबल,
तो ये आपके पास पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास व्यू ग्रिड्स, ये जो लाइनें हैं ये नज़र आएँ या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास टेबल प्रॉपर्टीज़ है, इस पर आप क्लिक करें तो ये टेबल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ से नज़र आएंगी कि आपका टेबल जो है वो लेफ़्ट पे अलाइन हो या सेंटर में या राइट पे। तो मैं इसको सेंटर में करके यहाँ से अगर ओके करता हूँ तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसमें देखें तो नेक्स्ट एक रोज़, तो हर रोज़ जो है अब रो नंबर वन सेलेक्ट है तो वो आपके पास उसकी विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम को, इसी तरह से किसी सेल को, और सेल की अलाइनमेंट सेंटर में उसके लिखा जाए या किस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे आपके पास है ड्रा टेबल, अब इसके ऊपर क्लिक करें दोबारा ये पेन आपके पास आ जाएगा। अब दोबारा जहाँ पे आपको लाइन लगानी है उस लाइन को आप लगा सकते हैं, इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर रेज़र, तो रेज़र को सेलेक्ट करें, जो आपको लाइनें नहीं चाहिए उनको सिंपली वहाँ पे क्लिक कर दें, ज़्यादा नहीं चाहिए तो ज़्यादा आप अगट्ठा सेलेक्ट करें और यहाँ पे ये आपके पास उसको रेज कर देगा। तो ये आपके पास रेज़र है। नेक्स्ट आपके पास डिलीट है, अब रेज़र को ख़त्म करने के लिए स्केप की आप प्रेस करें, रेज़र ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिलीट, तो डिलीट सेल, उसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, रोज़ या कॉलम किस तरह से, इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है डिलीट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डिलीट कॉलम, तो वो कॉलम जहाँ पे आपका कर्सर था वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट डिलीट रो, तो जो आपके पास रो सेलेक्ट थी वो डिलीट हो जाएगी। और लास्ट में आपके पास डिलीट टेबल, तो आपके पास डिलीट टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं कोई टेबल, सिंपली यहाँ से मैं इंसर्ट टेबल पे आता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम मुझे कितना चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ़ रोज कितनी चाहिए वो मैंने ओके कर दिया। तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब अगर यहाँ पे मुझे इसके नीचे मुझे और रोज़ चाहिए तो सिंपली मैं वहीं लेआउट पे आऊँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट अबव, मींस कि अगर आपको यहाँ पे कई रो चाहिए तो आप इंसर्ट अबव करेंगे तो वहाँ पे एक रो नई आ जाएगी, उसके अंदर आप जो भी चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके नीचे अगर मुझे रोज़ चाहिए तो इंसर्ट बिलो करूँगा तो नीचे मेरे पास यहाँ पर रो आ जाएगी, और अगर मुझे ज़्यादा रोज चाहिए जितनी चाहिए उतनी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं अगर इंसर्ट बिलो करता हूँ तो इस वक्त ये मेरे पास है 5 रोज सिलेक्ट है, तो इंसर्ट बिलो करूँगा तो उतनी ही रोज मेरे पास नीचे यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट लेफ़्ट, और इसके लेफ्ट पे मुझे अगर कोई कॉलम चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट लेफ़्ट, तो यहाँ पे मेरे पास एक नया जो है वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मुझे इसके दरमियान में यानी रोल नंबर और नेम के दरमियान में मुझे कोई कॉलम चाहिए तो इसके अंदर आके ये मैं इंसर्ट राइट करूँगा तो इसके दरमियान में एक और कॉलम आ जाएगा। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो सिंपली मैं डिलीट पर आके डिलीट कॉलम करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी इस कॉलम को भी मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ से मर्ज सेल, अगर आप ये देखें तो ये अभी सिलेक्ट नहीं है। मर्ज मीन्स कि आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे इन सारे सेल्स को एक ही सेल बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज सेल, तो ये मेरे पास अब ये सारा एक ही सेल बन गया। इसके अंदर मैं अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इसको मैं दरमियान में लेके आना चाह रहा हूँ
तो होम पे आ जाएं सिंपली, या यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप लेआउट के अंदर भी इसको आप जहाँ पे रखना चाहें यहाँ से आप क्लिक कर दें और उसको सेंटर अलाइनमेंट इस तरह से कर देगा। इसके बाद आप मज़ीद यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे स्प्लिट सेल, आप किसी भी सेल को मज़ीद हिस्सों में चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं इसको स्प्लिट सेल, ये मुझसे पूछेगा कि आप कितने नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें बनाना चाह रहे हैं और कितने आप नंबर ऑफ रोज बनाना चाह रहे हैं, वो इतने सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें। तो ये आपके पास उसी तरह से ये सेल जो है ये डिवाइड हो गया नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम। अब इसको मैं दोबारा वापस लेके आना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट ऑल किया मैंने और मर्ज सेल, तो ये दोबारा उसी तरह से चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें कि ये इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो आप यहाँ पे लेके आए माउस को और इस तरह से ये जब कर्सर बने तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए इसको आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉलम्स को भी ड्रैग कर सकते हैं, जितने भी आपको उनकी विड्थ या हाइट चाहिए उसी तरह से आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑटो फिट। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये तीन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितना मैंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये मेरा टेबल जो है वो फिट हो गया है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट यहाँ पे है फिक्स कॉलम वेट। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अगर इसको लिखता हूँ कुछ भी, तो ये जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको नीचे लेके आ रहा है। अगर मैं इसको अनडू कर दूँ और दोबारा यहाँ पे इसको जो है ऑटो फिट टू यहाँ पे कंटेंट कर देता हूँ, अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो ये इसको आगे लेके जाएगा, यानी आपके पास कॉलम की वेट जो है उसको चेंज करेगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। जितनी आपके पास ये विंडो है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ जितनी भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे आप उसको लिख के एंटर कर दें तो उसी हिसाब से आपके पास रो या कॉलम की जो है वो हाइट और विड्थ जो चेंज होगी। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे रोज़ की जो है हाइट जो है सबकी मुख्तलिफ है, इसकी ज़्यादा है ज़मीन की उसी तरह से कम है, तो आप चाहते हैं कि ये सारे एक ही पैटर्न पे आ जाएं, एक ही हाइट और विड्थ पे आ जाएं, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें रोज़ को, मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट रो पे आप क्लिक करें, तो ये आप जितनी भी रो मैंने सेलेक्ट की थी उन सब की हाइट जो है उसने इक्वल कर दिया। इसी तरह से मैं कॉलम्स को भी इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉलम्स को सेलेक्ट करें, मल्टीपल कॉलम्स को, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो आपके पास ये तीनों कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किए थे उन सब की जो है यहाँ पे विड्थ जो है वो सेम हो गई है। इसी तरह से मैं अगर इसको अनडू करता हूँ और इन सारे कॉलम्स को मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करता हूँ, तो अब ये जितने कॉलम मेरे पास सेलेक्ट थे उन सब की जो है विड्थ जो है वो सेम हो गई है। नेक्स्ट मेरे पास है कि अलाइनमेंट कहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, अगर मैं यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट करता हूँ सिंगल सेल को और ये उसको सेंटर में ले जाएगा, ये उसको राइट, ये उसको सेंटर जो है लेफ्ट है, ये चारों तरफ से उसको इक्वल यानी सेंटर कर देगा, ये उसको बॉटम पे ले जाएगा, ये बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे, तो जो भी आपको अलाइनमेंट चाहिए वो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अगर ज़्यादा की चाहिए तो आप सिंपली जितने सेल उनकी जितने भी सेल्स पे चाहिए उनको आप सेलेक्ट करें
और उसके बाद यहाँ पे उसको अप्लाई कर दें तो वो अलाइनमेंट आपके पास वहाँ पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसके पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जो आपके पास सिलेक्ट है उसकी जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास सेल मार्जिन, तो इस पर क्लिक करें। ये सेल मार्जिन यानी एक सेल के अंदर और टॉप से कितनी जगह छोड़ें, बॉटम से कितनी छोड़ें, लेफ्ट या राइट से कितनी छोड़ें, इसके बाद आप उसको ओके कर दें तो वो आपका सेल के अंदर मार्जिन जो है वो सेट कर देता है। जैसे आपके पास पेज का मार्जिन होता है कि ये आपके पास जो है लेफ्ट से यहाँ पे वो कितनी जगह छोड़ रहा है, ये आपके पास राइट से कितनी जगह छोड़ रहा है, ये टॉप से कितनी आप जगह छोड़ रहे हैं, ये लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है किसी भी सेल के अंदर जो है वो मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको पढ़ने के लिए हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। फिर एक नया टेबल हम बना लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैं कुछ जो है वो नंबर लिख देता हूँ। अब इनकी मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ तो लेआउट पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे ये सॉर्ट है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से आपने इसको क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया। इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नंबर जो है वो तरतीब से नहीं है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए या तरतीब में लाने के लिए आप वहाँ पर क्लिक किया और ये आपके पास दो हैं ऑप्शन के, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे किस कॉलम के हिसाब से आप करें, तो कॉलम वन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो इसको सिंपली ओके कर दें। तो ये आपके पास टेक्स्ट जो है वो उसी तरह से सॉर्ट हो जाएगा, तरतीब हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूले हैं और इससे पहले ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है ये इसके पीछे जो लाइनें हैं ये ख़त्म हो जाए तो सिंपल कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दें। अब वो उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने लिखा है उनको टैब्स की शक्ल में अलग करें या कॉमास की शक्ल में, या आपके पास अदर ऑप्शन भी है, तो मैं इसको टैब की शक्ल में, इसके बाद आप इसको ओके कर दें तो ये आपके पास जो टेबल था वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और टैब हमने इस्तेमाल किया तो इनके दरमियान में वो टैब को जो है वो ले रहा है। अब मुझे अगर ये दोबारा इसको जो है कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, टेबल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स का पूछेगा, इसके बाद आप इसको ओके कर दें तो ये दोबारा आपको उसी तरह से जो है टेक्स्ट जो है उसको टेबल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं उसके तीन मेथड हमने यहाँ से देखे कि टेबल के अंदर आप आते हैं तो ये एक तरीका तो ये है, फिर या फिर इंसर्ट टेबल से या फिर आप ड्रा टेबल से, ये तीन तरीकों से आप टेबल को यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आप टेबल के ऊपर यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डिज़ाइन टाइप जो है ये आ जाता है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डिज़ाइन लगा सकते हैं और इसके बाद ये लाइनों के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेआउट के अंदर हमने ये सारे बटन देखे कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।